प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी ये लगातार सीरीज चल रही है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2022 तक जितने भी परीक्षाएं हो चुकी है, तो इसमें पूछे गए राजस्थान जीके के। आपको मात्र 15 मिनट में डेली आपको 50 प्रश्नों का ये वीडियो मिलता है। तो आज पार्ट नंबर में 12 नंबर लेकर आया हूँ, जो आगे आने वाली 2022 की परीक्षाओं के लिए जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, पीटीआई, रीट, मेंस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो रामबाण साबित होंगे। और पीटीआई की आपको पता है जो है परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, 25 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। पहली शिफ्ट 10 बजे से लेकर 12 बजे तक फर्स्ट पेपर, और दूसरा है ढाई बजे से लेकर 4:30 बजे तक, ये आपका इसमें टाइम रहेगा। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से लाइक वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारे पहले क्वेश्चन की स्टार्ट। अर्जुन नयन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? यानी कि जो अर्जुन नयन जाति है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है, ध्यान रखना, अलवर भरतपुर। इसमें आता है ये अलवर है भरतपुर। दूसरा क्वेश्चन देखो, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? ये थे राय बहादुर हरविलास। कौन थे? राय बहादुर हरविलास अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता थे। नेक्स्ट देखो, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसके अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, किसके अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज। तो 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम जो अधिवेशन है वो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में आयोजन हुआ इसका। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं थी? यानी कि ये आपको बताना है, पंचपाणे यानी कि पांच जो में सम्मिलित नहीं थी शेखावाटी के, तो ये कौन सी नहीं थी? ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी अलसीसर, बिसाऊ थी, मलसीसर, मंडावर, ये तीनों थी, लेकिन अलसीसर है जो ये क्या है, पंचपाणे में सम्मिलित नहीं थी। अगला देखो, उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? ये की गई थी फरवरी 1883 को। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? तो ये है मारवाड़। कौन सी जानी जाती है? मारवाड़ चित्रशैली। अगला देखो, किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? ये क्वेश्चन आपको दो या तीन बार मैंने बता दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया अभिलेख में। इसमें बिजोलिया अभिलेख। जाखम बहुद्देशीय परियोजना किस जिले में है? जोधपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो ये है, ध्यान रखना, प्रतापगढ़ में। जाखम परियोजना कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जिला। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है बारां में। किस जिले में है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य? बारां जिले में है, ध्यान रखना। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी है माउंट आबू सिरोही। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में दूध बावड़ी स्थित है। गोविंदगिरी किस जनजाति से संबंधित थे? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे? तो ये थे बंजारा। किस जाति से इनका संबंध है? बंजारा जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, पशु नस्ल या पशु, इनमें से बताना भी कौन सी पशु की नस्ल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाली भेड़ की है, नागौरी गाय की है, शेखावाटी बकरी की है, लेकिन मारपुरी भैंस की नहीं है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है, सुमेलित है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर पास यानी कि राजस्थान में कौन सा बांध बना है? तो ये बना है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध। अगला क्वेश्चन देखो, बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है कोटा, झालावाड़ में, बारा में, चित्तौड़गढ़ में।
बेथली लघु सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? इसका जवाब देंगे मुझे सारे विद्यार्थी। देखते हैं कौन विद्यार्थी इसका राइट आंसर देते हैं। बेथली लघु सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है बारा में। किस जिले में है? बारा जिले में। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कौन सी तहसील है जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो ये है कुशलगढ़। कौन सी तहसील आ जाएगी? कुशलगढ़ है, बांसवाड़ा में, ध्यान रखना। अगला देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी और एक तरफ इनके उद्गम स्थल, तो ध्यान रखना कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो बनास खमनौर की पहाड़ी निकलती है, बाणगंगा बैराट पहाड़ी से, तांतली खंडेला पहाड़ी से, लेकिन कांकनी अब कुंभलगढ़ में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ राजसमंद में है, और कांकनी कहाँ बहती है? जैसलमेर में। तो इसका ये डी नंबर ऑप्शन है, ये सुमेलित नहीं है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। जो मैंने आपको बताया ना, जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं भूमध्य सागर में, जो है चक्रवात शीतकालीन वर्षा होते हैं जो रबी की फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है नहीं है, लोह अयस्क खनन क्षेत्र और जिले दिए हुए हैं, तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो बागोली सराय पंचलंगी झुंझुनू ये सही है, चौमू सामोद जयपुर ये सही है, लोहरपुरा बूंदी ये सही है, नीमला रायसेला नागौर ये यहाँ पे गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नीमला रायसेला। नीमला कहाँ पर है? सीकर में है, तो ये नागौर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? अब ये आपको पता है, नाना क्लासेज जो है हमारा जो है चैनल है उस पर आपको कल टॉपिक मिला था कृषि से संबंधित। डेली रात को 9 बजे आपको जो है राजस्थान जीके के लाइव क्लास जो 50 क्वेश्चन मिलते हैं, और आज भी आपको कृषि से संबंधित भी 9 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। तो राइट आंसर मुझे सारे विद्यार्थी देंगे, क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए कृषि से संबंधित। तो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? अर्धशुष्क पूर्वी मैदान है जो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? जामर कोटड़ा जो खाने हैं वो किसके लिए जानी जाती है? तो ये रॉक फॉस्फेट के लिए। इसके लिए रॉक फॉस्फेट के लिए जामर कोटड़ा खाने जानी जाती है। थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा? ई ए और डी। ये क्या है? थार्नवेट के अनुसार जैसलमेर की जलवायु को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? राजस्थान के किस जिले में शुष्क उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर में। कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में। अगला देखो, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानिए। तो वन्य जीव शुभंकर आपको बताना इनमें से गलत युग्म कौन सा है? तो 23 नंबर का आंसर देंगे अलवर बाघ का नहीं हो सकता, भीलवाड़ा मोर, भरतपुर का है सारसिया क्रेन, जालौर का भालू। तो अलवर का बाघ है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिप्त नगर और लाभान्वित जिले। तो लिप्त नगरें आपको पता है बनी हुई है, और कौन कौन से जिले इनके लाभान्वित जिले हैं ये बताना आपको सुमेलित यहाँ पे नहीं है, ये पूछा इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में। तो कोलायत से जोधपुर बीकानेर को लाभ मिलता है, गजनेर से बीकानेर नागौर को मिलता है, फलौदी से जैसलमेर बीकानेर को मिलता है, लेकिन बांगड़सर से बीकानेर और जैसलमेर को नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? ये टॉपिक जोड़ा गया अब की बार रीट 2022 जो थर्ड ग्रेड का सिलेबस है, इसमें स्पेशल टॉपिक ये जोड़ा गया है जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाली। कौन सी नहीं है? नाड़ी होती है, टोबा होता है, जोड़ होता है, लेकिन नाली है जो ये परंपरागत विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य या राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है? तो राजस्थान के सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है? यह है राजस्थान रोड विजन 2025।
कौन सी है? राजस्थान रोड विजन 2025 है, यह दीर्घकालीन योजना है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो वृक्ष महोत्सव आपको सभी को पता है कहां पर लगता है? खेजड़ली जोधपुर में। कहां पर है? प्रतिवर्ष 12 सितंबर को, अब आने वाली 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाएगा खेजड़ली जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है? ये है बीकानेर में। कहां पर है? ये बीकानेर में। अगला देखो, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी मुझे इसका जवाब देंगे क्योंकि कृषि जलवायु आपका क्वेश्चन नाना क्लासेज राजस्थान वो है उस पर आपको मिलता है, डेली आपको 9 बजे क्लास मिलती है। ये राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आएगा? तो ये आएगा, ध्यान रखना, 1C उच्च शुष्क और सीमित सिंचित मैदान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1C उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान में ये बीकानेर आएगा। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? तो ये किया था भद्राजूण में। कहाँ पर किया था? भद्राजूण में मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष करने के लिए सेना को संगठित किया था। वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? वो था मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। आहाड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आहाड़पुर, अगजपुर, आगाटपुर या आदमपुर? तो बताइए मुझे, आहाड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है किसे? आघाटपुर के नाम से। किसे? आघाटपुर के नाम से आहाड़ सभ्यता जानी जाती है। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? ये हुई थी, ध्यान रखना, 9 नवंबर 1817 को। कब हुई थी? 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि हुई थी, ध्यान रखना। किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा जो है व्यक्ति था उसको प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? तो वह है अमलानंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है? अलवर में, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। पोथीखाना कहाँ पर स्थित है? तो पोथीखाना है जयपुर में। कहाँ पर है? ये जयपुर ज़िले में। अगला देखो, जाली बाब बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? जाली बाब बावड़ी और मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़, गागरौन, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो ये स्थित है कुंभलगढ़ में। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में जाली बाब बावड़ी और मामादेव का कुंड स्थित है। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? तो ये रखा गया है दूसरी 20 श्रेणी में। जिसमें दूसरी 20 श्रेणी में राजस्थान को भारत की संविधान के अनुसार है दूसरी 20 श्रेणी में रखा गया है। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? बिजोलिया, मंडोर, टोंक या बीकानेर? तो साधु सीताराम का जन्म हुआ था बिजोलिया भीलवाड़ा में। कहाँ पर हुआ था? बिजोलिया भीलवाड़ा। समराइच कहा का रचयिता कौन था? जिनपाल, जिनेश्वर, हरिभद्रसूरी, उद्यतन सूरी। नाम थोड़ा कठिन है, समराइच कहा का रचयिता कौन था? तो ये था, ध्यान रखना, कौन है? हरिभद्रसूरी। कई बार ऐसे एग्जाम में आते हैं हरिभद्रसूरी। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? ये थी, ध्यान रखना, कौन सी? ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकी? मत्स्य जनपद की। किसकी थी? मत्स्य जनपद की, विराटनगर की। विराटनगर है जनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखो, बम्ब नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम्ब शब्द से क्या तात्पर्य है? अब ये तो आपको पता है बम्ब नृत्य है जो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो बम्ब है वो किस शब्द से तात्पर्य है? नई फसल, पुरुषों का समूह है, भगवान शिव का उत्सवर, नगाड़ा। तो इसका राइट आंसर जगह ध्यान रखना, नगाड़ा। किससे संबंधित है? नगाड़ा से इनका संबंध है। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? मेयो कॉलेज का संस्थापक था रिचर्ड बारक। कौन था? रिचर्ड बारक है जो मेयो कॉलेज का संस्थापक था। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो अचलगढ़ है सिरोही में।
यहाँ पर है ये पर्यटन स्थल है अचलगढ़ है, और ये किस जिले में स्थित है, तो ये है सिरोही में। अगला क्वेश्चन देखो, सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा करवाया गया। सांभर झील का निर्माण है जो जयपुर में स्थित है, उसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, वासुदेव के द्वारा। किसके द्वारा, वासुदेव। आना सागर झील कहाँ पर है, आना सागर आपको सभी को पता है अजमेर में, जिसका निर्माण आना जी ने करवाया था, अन्नोराज ने। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, जैसलमेर का किला, तो जैसलमेर का किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, सोनारगढ़। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो 47 नंबर का उत्तर दीजिए मुझे, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो ये है बूंदी में। अब सारे विद्यार्थी मुझे ये बताएंगे भी 84 खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया था, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपका। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर, सारे विद्यार्थी जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं और जो भी विद्यार्थी ये लाइव क्लास देखता है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर ये बताएंगे भी 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया जो बूंदी में स्थित है, सारे विद्यार्थी मुझे ये ज़रूर बताएंगे। सेवन व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है, सेवन व लवण घास है जो राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है, तो ये उगती है शुष्क में, किस प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में उगती है। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान राज्यों के मध्य का संयुक्त उपक्रम है, यानी कि कौन सी जो परियोजना है जो मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान की तीनों की परियोजना है, तो वो है नर्मदा नदी परियोजना, कौन सी हो जाएगी, नर्मदा नदी परियोजना। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है, जून से सितंबर, क्या होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि जून से सितंबर है मानी जाती है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर करना आपका काम है, तो निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बनी रहिए, और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन आए हुए पीछे के एग्जामों में लगातार आपको मैं ये सीरीज उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, जितने भी आपके दोस्त हैं भाई बंधु हैं उनमें आपको वीडियो को शेयर करना है, तो निरंतर मेरी इस क्लास के साथ आप बने रहिए। सुबह मेरी इंडिया करंट की आपको पता है क्लास आती है 6:30 पर डेली आपको क्लास मिलती है, और शाम 8 बजे मेरी ये जीके की टॉप 50 क्वेश्चनों की क्लास आपको मिलती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।